मैंने कहा ना ये गंदी पॉलिटिक्स है राजस्थान के अंदर, जंगल राज है, कोई सुनने वाला नहीं है। बच्चों का भविष्य इन्होंने अंधकार में डालने का काम किया है, युवाओं का भविष्य अंधकार में डालने का काम किया। यहाँ पर ये विद्यालय के अंदर एक टीचर को इसलिए एपीओ कर दिया कि उसने सांसद को माला पहना दी। इनके विधायक तो जगह जगह घूमते फिरते कि हमें माला पहनाओ, और उन्होंने मन से पहनाई, और वो भी स्टूडेंट आए थे कि हमारे को वो टीचर के साथ आए थे, और उन्होंने आकर कहा था कि हमारे को ट्रैक चाहिए, ट्रैक के लिए आप MPLADC कुछ पैसा देंगे तो हमारे यहाँ पर बच्चे नेशनल लेवल पर खेल के जाते। तो ये बच्चे भी साथ में आए थे और टीचर भी आए थे, तो उनके सामने मैंने 10 लाख रुपए की घोषणा कर दी कि मैं तुम्हारे ट्रैक बनाऊंगा यहाँ पर। और उसके बाद में जैसे ये चीज़ हुई, और उसके बाद में यहाँ के लोकल नेताओं को पता चला, और उस टीचर को APO करवा दिया। क्या गुना, उस विकास के लिए तो आया था वहाँ पर स्कूल। अभी सर आपने किससे बात की और क्या बात की? मैंने प्रशासन से बात की है कि इस तरह से अगर करेंगे तो ये गलत है, पॉलिटिक्स करने का काम नहीं है, ये विकास का काम है। और इसके अंदर जिस तरह से गंदी राजनीति की जा रही है इस पूरे प्रदेश के अंदर, राजस्थान के अंदर, इन्होंने जंगल राज बना दिया है। और ये स्टूडेंट सभी कह रहे हैं कि जब तक हमारा टीचर वापस नहीं आएगा तब तक हम स्कूल में नहीं जाएंगे। आपने क्या आश्वासन दिया? इस तरह से मैंने इनको कहा है कि मैं आपके साथ हूं और बिल्कुल न्याय के साथ हूं और न्याय दिलाने। सर किसके कहने पर, सर किसके कहने पर किया, क्या लग रहा है आपको? मैंने कहा ना कि लोकल पॉलिटिक्स है और लोकल पॉलिटिक्स के अंदर किया जा रहा है। कांग्रेस के जो लोग है, कांग्रेस के नेता है, वो जान बूझ कर आम जन को परेशान करना उनके खून में है, उनके दिमाग में है। और इसलिए वो एक सांसद को विधायक अगर माला पहनाते, विधायक को माला कितने को गवर्नमेंट कर्मचारी पहनाते, इसका मतलब पहनाएंगे उनका अगर उनकी मन की इच्छा है तो। उन्होंने मन से मुझे पहना दिया और उसकी वजह से उनको APO कर दिया। ये गंदी पॉलिटिक्स ज्यादा दिन नहीं चलेगी, जनता समझ चुकी है और आने वाले टाइम में इनको जवाब मिल जाएगा।